दोस्तों माइन यानी खान के बारे में तो आप सभी लोग अच्छी तरह जानते होंगे। अक्सर देखा जाता है कि खान में काम करने वाले मजदूर दुर्घटनाग्रस्त होकर मौत का शिकार बन जाते हैं। आज से करीब 10 साल पहले एक ऐसी ही खान दुर्घटनाग्रस्त होकर धंस गई थी, जिसके कारण उसमें काम करने वाले मजदूर व अन्य कर्मचारी अंदर ही फंस गए थे। ये लोग एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे 69 दिन तक इस खान के अंदर ही फंसे रहे। आखिर ये लोग इतने दिन तक कैसे जिंदा रह पाए और इन्हें किस तरह बाहर निकाला गया, आइए जानते हैं हमारी आज की इस वीडियो में। ये बात साल 2010 की है। 5 अगस्त का वो दिन अन्य किसी भी दिन की तरह ही सामान्य था। चिली देश के अटाकामा रेगिस्तान में बनी सैन जोस कॉपर एंड गोल्ड माइन में हर रोज की तरह मजदूरों ने अपना काम शुरू कर दिया था, लेकिन दिन के लगभग 2 बजे जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक भयंकर हलचल के साथ अचानक ये खान धंसना शुरू हो गई। ऐसा होते ही सभी लोग जान बचाकर खान से बाहर की तरफ भागने लगे। जो लोग खान के ऊपरी हिस्से में थे वो बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन जो लोग सैकड़ों फीट नीचे काम कर रहे थे वे खान के अंदर ही फंस गए। कुल 33 लोग ऐसे थे जो बाहर निकलने में असफल रहे और धरती से 2300 फीट नीचे इस अंधेरी खान के अंदर फंस गए। खान के प्रवेश द्वार और इन फंसे हुए लोगों के बीच लगभग 5 किलोमीटर का फासला था। इस दुर्घटना की खबर तुरंत ही मीडिया तक पहुंच गई और दुनिया के सभी न्यूज चैनलों पर यही खबर चलने लगी। उस समय दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति उन लोगों के सही सलामत बाहर निकलने के लिए प्रार्थना कर रहा था। कहानी को आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इस खान के बारे में जान लेते हैं। अटाकामा रेगिस्तान में बनी सैन जोस कॉपर एंड गोल्ड माइन को सैन एस्टेबाइन माइनिंग कंपनी द्वारा साल 1889 में खोला गया था। बेहद पुरानी हो चुकी ये खान काम करने के हिसाब से बेहद खतरनाक मानी जाती थी। इसके अलावा ये खान अपने घटिया सुरक्षा इंतजामों के लिए भी बदनाम थी। इस खान में काम करते हुए मजदूरों व अन्य कर्मचारियों की मौत हो जाने का इतिहास बहुत ही पुराना था। कंपनी अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को खत्म करने के लिए पैसे का इस्तेमाल करती थी। चूँकि ये खान बेहद गहरी थी, इसलिए पृथ्वी के कोर से निकलने वाली गर्मी के कारण इस खान का तापमान बहुत ज्यादा गर्म था। मजदूर जितना गहरा खोदते थे तापमान उतना ज्यादा बढ़ता जाता था। तापमान गर्म होने के कारण यहाँ पर उमस बहुत ज्यादा रहती थी, जिसके कारण सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। यही कारण था इस खान में बहुत ज्यादा लोग काम नहीं करते थे। कंपनी खान में काम करने वाले लोगों को अच्छा मेहनताना देती थी, ताकि ये लोग लालच में आकर काम करते रहें। गरीब लोग अच्छी कमाई के लालच में अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पर काम किया करते थे। चलिए अब वापस अपनी कहानी पर लौटते हैं। जिस समय खान के अंदर हलचल होना शुरू हुआ था, खान में काम कर रहे सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए एक इमरजेंसी शेल्टर में जमा हो गए। जब हलचल खत्म हुई तो इन लोगों ने पाया कि बाहर के सभी रास्ते बंद हो चुके थे। इसके अलावा ऊपर धरती पर संपर्क करने के सभी कनेक्शन पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। उन्होंने पाया कि खान में बिजली और वायु संचालन के माध्यम भी ठप हो चुके थे। 54 वर्ष के शिफ्ट मैनेजर लुइस उर्जुआ अपने साथ कुछ लोगों को लेकर बड़ी मुश्किल से बाहर निकलने की आपातकालीन सीढ़ी तक पहुँचे, लेकिन वहाँ भी उन्हें निराशा हाथ लगी। कंपनी ने सीढ़ी को अधूरा बनाकर छोड़ दिया था, इस पर पहुँचना नामुमकिन था। ये लोग निराश होकर वापस इमरजेंसी शेल्टर की तरफ लौट रहे थे कि तभी खान के अंदर फिर से हलचल शुरू हो गई। इस बार इमरजेंसी सीढ़ी तक पहुँचने का रास्ता भी पूरी तरह बंद हो गया था। इमरजेंसी शेल्टर में पहुँचने के बाद लुइस उर्जुआ ने इस भयानक परिस्थिति में हिम्मत दिखाते हुए स्थिति को अपने हाथों में लेने का निर्णय लिया। लुइस उर्जुआ ने सबसे पहले देखा कि उनके पास खाने पीने के लिए क्या क्या मौजूद है। उस इमरजेंसी शेल्टर में 1 डब्बा सैलमन मछली, 1 डब्बा आडू, 18 डब्बे टूना मछली, 24 लीटर दूध, 10 लीटर पानी मौजूद था। उर्जुआ को इस बात का अंदाजा हो गया था कि उनके पास जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा राशन मौजूद नहीं है। उन्हें इस बात का भी अंदाजा था कि बचाव टीम को उनके पास तक पहुँचने में कई दिन का समय भी लग सकता है, इसलिए उन्होंने सभी लोगों से कम खाना खाकर गुजारा करने को कहा। इस दौरान ऊपरी सतह पर बचाव टीम और फंसे हुए लोगों के परिवार पहुंच चुके थे। 6 अगस्त को बचाव टीम ने खान में घुसने का प्रयास किया, लेकिन वह नाकाम रहे। इस घटना की खबर जब चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा को मिली तो उन्हें एहसास हुआ कि इन लोगों को बचाने का जिम्मा सरकार को लेना चाहिए। 7 अगस्त को राष्ट्रपति खान में फंसे हुए लोगों के परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिवारों से वादा किया कि वह किसी भी कीमत पर फंसे हुए लोगों को खान से बाहर निकालेंगे। सरकार ने तुरंत ही चिली की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी नेशनल कॉपर कॉरपोरेशन से मदद मांगी। कंपनी ने सरकार को इस मुश्किल काम के लिए आंद्रे सुगारेट नाम के एक इंजीनियर का नाम सुझाया,
कंपनी ने बताया कि सुगारेट एक एक्सपर्ट माइनिंग इंजीनियर है और इस काम के लिए उनसे बेहतर आदमी और कोई नहीं है। इसके साथ ही चिली सरकार ने दूसरे देशों की सरकारों और विशेषज्ञों से भी मदद की गुहार लगाई। कुछ ही दिनों में कई कंपनियां मदद के लिए सामने आ गई। चूंकि इस ऑपरेशन में बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला था, इसलिए लोगों से डोनेशन की मांग की गई। दुनिया भर से लोग मदद के लिए सामने आने लगे और देखते ही देखते करोड़ों रुपए जमा हो गए। आंद्रे सुगारेट ने अपने विशेष टीम के साथ काम करना शुरू कर दिया। सुगारेट ने स्थिति को पूरी तरह समझने के लिए जितनी हो सके उतनी जानकारी इकट्ठा किया। सारी जानकारी मिल जाने के बाद सुगारेट ने अनुमान लगाया कि खान में फंसे लोग अभी भी जिंदा हो सकते हैं। परेशानी ये थी कि जैसे जैसे समय बीत रहा था, खान में फंसे लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ रही थी। सुगारेट को इस बात का भलीभांति अंदाजा था, इसलिए उन्होंने तुरंत ही कार्य शुरू कर दिया। सुगारेट को पता था कि अगर वो लोग जिंदा होंगे तो वे जरूर इमरजेंसी शेल्टर में रह रहे होंगे। इसलिए इंजीनियर्स ने एक मशीन की मदद से जगह जगह 5 इंच के डायमीटर वाले बोर होल खोदना शुरू कर दिया। चूंकि ये माइन 121 वर्ष पुरानी थी, इसलिए इसका कोई सही और सटीक नक्शा उपलब्ध नहीं था। इंजीनियर्स को अनुमान लगाना था कि इमरजेंसी शेल्टर कहाँ हो सकता है और फिर उसी जगह बोर होल खोदना था। ऊपर की सतह से 40,000 स्क्वायर फीट के एरिया में 530 स्क्वायर फीट का इमरजेंसी शेल्टर ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जितना मुश्किल था। इंजीनियर्स ने जगह जगह बोर होल खोदना शुरू कर दिया। इस दौरान नीचे फंसे लोगों की हालत अब खराब होने लगी थी। लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए ये लोग हर 48 घंटे में सिर्फ एक बार 2 कुकीज, 1 चम्मच मछली और थोड़ा सा पानी व दूध ले रहे थे। यहाँ फंसे फंसे इन लोगों का मनोबल टूटने लगा था और अत्यधिक गर्मी की वजह से ये लोग कम से कम कपड़े पहनकर अपना समय व्यतीत कर रहे थे। अपना मन बहलाने के लिए ये लोग एक दूसरे को अपनी कहानियाँ सुनाया करते थे और वह खुद को द 33 कहकर बुलाते थे। अगले 2 हफ्तों तक बोर होल खोदने का काम चलता रहा। आखिरकार 22 अगस्त के दिन इंजीनियर्स का निशाना सही जगह पर लग गया। इंजीनियर्स द्वारा खोदा गया बोर होल इस ड्रिल मशीन को देखकर फंसे हुए लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत उस ड्रिल मशीन पर लोहे का पाना मारकर आवाज ऊपर पहुंचाने की कोशिश की। साथ ही इन लोगों ने मशीन की ड्रिल पर एक नोट लिखकर चिपका दिया। ऊपर बोर होल खोद रहे इंजीनियर्स तक पाना मारने की आवाज पहुंच गई और इंजीनियर्स ने तुरंत ड्रिल मशीन को ऊपर खींच लिया। ड्रिल मशीन पर उन्हें वो नोट चिपका हुआ मिला जिस पर लिखा था, हम यहाँ शेल्टर में ठीक हैं, द 33। इस नोट से यह साफ हो गया था कि सभी 33 लोग अभी तक जिंदा हैं। इस खबर के फैलने के बाद हर तरफ खुशी का माहौल छा गया। सभी को इस बात की खुशी थी कि फंसे हुए सभी 33 लोग जिंदा थे। अब जबकि इन लोगों की सटीक लोकेशन का पता चल चुका था, इसलिए अब बारी थी इन लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकालने की। सबसे पहले उस बोर होल को थोड़ा और चौड़ा किया गया ताकि इन लोगों तक जरूरत का सामान पहुंचाया जा सके। इस बोर होल के जरिए इन लोगों तक कैमरा, टेलीफोन, ग्लूकोज और पोषक भोजन आदि भेजा गया। इन लोगों को बाहर निकालने के लिए तुरंत योजनाएं बनाई जाने लगी। आंद्रे सुगारेट इस काम के लिए सिर्फ एक प्लान पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे, इसलिए 3 अलग-अलग प्लान ए, बी और सी बनाए गए। तीनों प्लान अलग अलग टीमों द्वारा एक ही समय पर शुरू किए गए। प्लान ए में एक विशाल स्ट्राटा 950 ड्रिलिंग रिग का इस्तेमाल किया गया। प्लान बी में 130 XT एयर कोर ड्रिल का इस्तेमाल किया गया और प्लान सी में रिग 421 ऑयल ड्रिलिंग रिग का उपयोग किया गया। इस दौरान सुगारेट फंसे हुए लोगों से लगातार संपर्क में रहे और उनके जरूरत का सामान उन तक पहुंचाते रहे। मशहूर स्पेस एजेंसी नासा भी इस मिशन का हिस्सा बने और फिर चिली की नेवी और नासा ने मिलकर एक विशेष कैप्सूल तैयार किया जिसका इस्तेमाल इन लोगों को बाहर खींचने में किया जाना था। तीनों टीम ए, बी और सी अगले 52 दिन तक लगातार खुदाई करती रही। आखिरकार 10 अक्टूबर 2010 को टीम बी इमरजेंसी शेल्टर तक पहुंच गई और 12 अक्टूबर को रात के लगभग 12 बजे के करीब पहले व्यक्ति को निकाला गया। इन 69 दिनों में ये 33 लोग सेलिब्रिटी बन चुके थे। हजारों लोग इस रेस्क्यू मिशन को देखने के लिए पहुंचे थे, जबकि करोड़ों लोग दुनिया भर में इस बचाव मिशन को अपने टेलीविजन पर लाइव देख रहे थे। घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने तेज तालियों के साथ एक एक व्यक्ति का स्वागत किया। अगले 24 घंटों में सभी 33 लोगों को एक एक करके बाहर निकाला गया और राष्ट्रपति पिनेरा ने प्रत्येक व्यक्ति का हाथ मिलाकर स्वागत किया। इन लोगों ने 69 दिन में पहली बार खुली हवा में सांस ली थी। इस हादसे के बाद सेंट जोसे कॉपर एंड गोल्ड माइन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और इस हादसे के लिए सेंट एस्टेबाइन माइनिंग कंपनी को जिम्मेदार मानकर उस पर मुकदमा चलने लगा।
लेकिन 3 साल चले इस मुकदमे को यह कहकर खत्म कर दिया गया कि कंपनी के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए मौजूदा सबूत पर्याप्त नहीं है। इन लोगों व बचाव दल के सम्मान में दुर्घटना स्थल पर एक छोटा सा म्यूजियम भी बनाया गया है, जिसमें इन सभी लोगों की बहादुरी का वर्णन किया गया है। दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें तो आपके हिसाब से इस दुर्घटना के लिए कौन जिम्मेदार था, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो काफी पसंद आई होगी। और दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।